नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज डेरा से एक महिला जुड़ी है, वो बताएंगे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है महिलाओं के लिए स्पेशली। जैसा कि आपने मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में देखा था कि महिलाओं के लिए इन्वायरमेंट ऐसा है वैसा है, मगर बता वही सकता है जो वहाँ पर रहा हो, जो वहाँ लंबे समय से जाता हो। तो आज जुड़ते हैं इन महिला के साथ। नमस्कार मैम। सतप्रू तेरे आश्रा। क्या नाम है? सुखनप्रीत कौर। मैम डेरा सच्चा सौदा कब से जाते हो? बचपन से। बचपन से जाते हो मैम, कभी कुछ गलत होते देखा आपने? असी तो भाई कदे कुछ है जा देखा नहीं। ठीक है, गुरु जी दे कोले बैठ के भी गल्लां बातां भी करियां, नज़दीकियां भी उन्हां दियां महसूस करियां, पर यह चीज़ तो असी कदे देखी ही नहीं भी इहो जा कदे कुछ उन्होंने गलत कोई साढ़े नाल कीता होवे जां असी किसे नाल होर हुंदियां देखिया होवे। मैम मगर जो मीडिया की हेडलाइंस है वो तो कुछ और ही कहती हैं कि मतलब वहाँ जो गर्ल्स की सेफ्टी को लेके एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे जनता को? आप भी एक महिला हैं, आप भी जाती रही थी, कितनी सुरक्षित है महिलाएं? ये बिल्कुल ही सारा निरा झूठ है भी असी तां अज तिकर बचपन तो लैके बुढ़ापा आने वाला हो गया जिन्नी सेफ्टी असी इत्थे महसूस करी है ना बाहर दुनिया च। मैं नहीं कहती किसी कुड़ी नूं उत्थे बाहर किते सेफ्टी इहो जी मिलेगी। मैम गुरु जी पे आरोप भी लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? सारे झूठ, निरा झूठ, कोई उहदे विच सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं उहदे विच। सिर्फ इन्हां ने झूठ दा फलंदा बना के गुरु जी ते इहो जे आरोप जिहड़े ओह चीज़ां तों मना करदे आ, दुनिया नूं आगाह करदे आ भी असी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਤਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਆਈ ਥੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੇ कि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स गुरु जी ने निर्माण किया है, आखिर इस फोर्स का क्या कार्य है जनता को बताइए। इहदा सिर्फ मकसद इक्को ही है भी लोकां दी भलाई करनी, लोकां नूं चंगे नेक कम्मां नाल जोड़ना, सब दा भला करना, सब दी मदद करनी, दीन दुखियां दी मदद करनी, गरीब गुरबे दी मदद करनी। असी तां आई कुछ सिख्या सी, असी तां कदे कुछ होर देख्या नहीं, सिर्फ प्रेम प्यार सतगुर नाल, आपदे नाल, दुनिया नाल, बच्चियां नाल, सब नाल ये चीज़ां उन्होंने सिखाइयां, असी उही कुछ सीखिया। मैम गुरु जी पे आपका विश्वास कितना है? बहुत ज़्यादा। इस विश्वास का क्या कारण है? सानू मतलब अंदरों जो महसूस हुंदा है जे साडे नाल कल नूं कोई घटना भी वापरनी है सानू वो साडा सतगुर पहला ही महसूस करा दिंदा है। असी किवें ना उहदे ते विश्वास करिए, जां उह जे साडे कर्म है कोई सानू उह हालिए दिखा दिंदा वी आह तुहाडा कर्म सी एवें तुहाडा कट्टिया गया, तां उह गुरु ते क्यों ना विश्वास होवे। मौत वर्गे कर्मां नूं असी महसूस कीता है, सतगुर ने सानू महसूस होण ही नहीं दित्ते उह कर्म जिहड़े साडे इन्ने भयानक पता ही नहीं लग्या पलां विच ही कटते। मैम समाज के लिए क्या कहे गुरु जी ने? बहुत कुछ किया, पर जे किसी दियां अखां ही ना होण देखण वालियां तां फिर ओही गल गुरु की करे। मैम वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरु जी ने क्या किया? बहुत बड़े बड़े कदम चके आ उन्होंने वैश्यावृत्ति नूं रोकण वास्ते। कौन किसी दी मतलब वैश्या नूं कोई भी हैगी है कोई आपदी बेटी बना लूगा कि उहदी शादी कर दूगा कि उहदे बच्चों नाल प्यार करूगा कि उहदा ससुराल नाल किवें उहदा रहण सहण है सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो असी तो कदे इहो जिहा कुछ देखिया नहीं बई जिवें उन्होंने दुनिया ने एडे गंदे इल्जाम उन्होंने लाते, परे सोच समझ तो परे ने। पर गुरु जी च ना तो अज कमी सी, ना कल कमी सी, ना होनी है आने वाले टाइम च। मैम ये जो नरकंकाल मीडिया ने उठाया था एक टॉपिक, इसका क्या सच है?
क्या सच होना था। गुरु जी ने शिक्षा दी है भी अपने जो भी घर परिवार में मौतें तो होती रहती हैं, कभी किसी की कभी किसी की भी, उस पर अपने बाहर गंगा जल, गंगा में जाते हैं वहाँ अस्थियाँ फेंकते हैं तो वो प्रदूषण फैलता है, तो उससे अच्छा है तो भी आप भी अपने खेतों में जहाँ जहाँ भी जगह मिलती है वहीं गड्ढे खोद के वो अस्थियाँ दबा के ऊपर कोई पौधा लगाया जाए ताकि भी प्रदूषण भी ना फैले, आने वाले टाइम च उन्हें दरख्तों का भी फायदा होवे। तो ये गुरु जी ने तो ये चीज़ा सिखाइया ने सानू, तो बई समझ नहीं आती भी दुनिया नू की दिसदा भी कितों नर कंगाल किधरों मिल गए उन्हें तो की हैगा तो की नहीं हैगा। हम गुरु जी अभी समाज में नहीं है तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज में पड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हमें तो बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। जो होते तो पता नहीं, आज 3 साल सदियां लगती हैं, 3 सालों में उन्होंने पता नहीं क्या क्या दुनिया का भला करना था। मैम समाज को आज गुरु जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पल पल हम तो ऐसे कहते हैं भी पल पल उनकी गाइडेंस हमारे साथ हो। मैम अगर गुरुजी आ जाते हैं तो समाज में क्या क्या सुधार जो हैं अब वो आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे अब तो कोई किसी को देख देख के नहीं राजी हैगा भी कोई, जहाँ कोई तरक्की करी जाता है जहाँ कोई अपने आप च मतलब वधिया आपदी रोटी पानी खाई जाता है, कि हालत दुनिया ते होई पई है भी कोई देखदा ही नहीं भी किसी नू मारन लग्या मिंट च मार के चला जाता है, क्योंकि उन्हां च आत्म विश्वास की कमी आ गई। बच्चों नू आत्म विश्वास की बहुत जरूरत है, ता करके बच्चे जे अंदरों पावर होगी उन्होंने ता ही वो कोई गुनाह पाप करन तो बर्दाश्त शक्ति आऊगी उन्हें। मैम जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफ़ी बढ़ रही है इंडिया के अंदर, तो गुरुजी ने उसके रोकने के लिए क्या किया? क्योंकि क्या होता है कि लड़कियां जब पैदा हो जाती हैं तो वंश ना चलने के डर से और बच्चे पैदा करते हैं ताकि लड़का आए और वंश चलाए, तो क्या गुरुजी ने इसके लिए कुछ कदम उठाए? हाँ जी बिल्कुल उठाए हैं। वो कहते हैं भी बेटी बेटे के समान है, एक बेटी भी जे बेटा घर चला सकता है तो बेटी क्यों नहीं चला सकती? बेटी को इतने अधिकार हैं, बेटी को आत्मनिर्भर किया उन्होंने तो कुछ भी मतलब भी बेटी कर सकती है। ब्याह करा के आपदे माँ प्यो दे कोले रवे, वो बच्चे बेटे तरह उन्हों का पालन पोषण करे, बहुत वधिया गुरु जी ने तो चलाया होया। गुरु जी की आज समाज में आप कहते हो इतनी ज़्यादा जरूरत है, उसके बाद गुरु जी पे इतने एलिगेशंस क्यों? दुनिया की वही गल, अज तिकर किसी संत महात्मा नू लै लो, किसी पीर फकीर नू लै लो, अज तिकर उन्हां नू किसी ने गुनाह पाप मतलब गुनाह जो भी है भी एलिगेशन है वह लाने तो किसी ने झिझकी नहीं की। उन्हां दा वो रूप तो देखे ही नहीं भी गुरु का केड़ा रूप है, कि वो सानू शिक्षा दे ही जांदे है, असी उन्हां ते दुनिया बस थोपी तुरी जांदी है, थोपी तुरी जांदी है, गुनाह आ कीता गुरु जी ने, आ कीता गुरु जी ने, कि गुरु जी का उन्होंने चंगा माड़ा देख लिया, जिहड़ा मतलब इन्ना कुफर तोलिया लोगों ने, इन्ना कुफर बकिया, कुछ तो सोचते, कुछ तो आप आम इंसान नू भी एक मिनट ये सोचते हैं भी आपू बुरा भला ना कहीए। उन्हों की तो एड्डी उच्ची शख्सियत है जिहड़ी तो लोगों ने सोचा ही नहीं भी असी एडे एडे एलीगेशन लाई जाने। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? भी सानू तो जरूरत है ही, अपील है भी साढ़े गुरु जी नू छेती तो छेती बाहर कढ़ो, वो आन तो सारी दुनिया ते ठंड वापरे, सबनों वो सब सरबत का भला सिखाते हैं, कोई यहोजी गल है नहीं गी। असी तो यही कहने भी प्लीज़ प्लीज़ साढ़े गुरु जी नू छेती तो छेती बाहर कढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।